अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है बता दें कि सीज फायर के बाद वापस से घर लौटने लगे हैं लेबनान वासी। लेबनान इसराइल के बीच बुधवार को सीज फायर का ऐलान हुआ था, जिसके बाद से लेबनान वासी वापस से अपने अपने घर लौटने लगे हैं। सीज फायर शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही वापस से घर लौटने लगे हैं लेबनानी। 23 सितंबर को इसराइल के हमले के बाद से लेबनान वासियों ने अपना घर छोड़ दिया था। बताया जा रहा था कि हजारों परिवार घर छोड़कर दक्षिण लेबनान भाग गए थे। अब टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस बात की जानकारी दी है कि वापस से लेबनानी अपने अपने घर लौटने लगे हैं। सिडोन गाजी एटायर शहर में वापस से लोग लौटते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि उनके हाथों में नरसल्ला की तस्वीर भी शांत थी, वो उस तस्वीर को दिखाते हुए वापस से अपने अपने घर लौट रहे हैं। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है बता दें कि सीज फायर के बाद वापस से घर लौटने लगे हैं लेबनान वासी। लेबनान इसराइल के बीच बुधवार को सीज फायर का ऐलान हुआ था, जिसके बाद से लेबनान वासी वापस से अपने अपने घर लौटने लगे हैं। सीज फायर शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही वापस से घर लौटने लगे हैं लेबनानी। 23 सितंबर को इसराइल के हमले के बाद से लेबनान वासियों ने अपना घर छोड़ दिया था। बताया जा रहा था कि हजारों परिवार घर छोड़कर दक्षिण लेबनान भाग गए थे। अब टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस बात की जानकारी दी है कि वापस से लेबनानी अपने अपने घर लौटने लगे हैं। सिडोन गाजी एटायर शहर में वापस से लोग लौटते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि उनके हाथों में नरसल्ला की तस्वीर भी शांत थी, वो उस तस्वीर को दिखाते हुए वापस से अपने अपने घर लौट रहे हैं।